तो हेलो दोस्तों, एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज के साथ आ गया हूं यार कि गोपी चंद सर की नई मूवी सिटी मार हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन कब, कहां, कैसे आपको टीवी पर और यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगी, इन सारी बातों को इस वीडियो में बता। साथ ही यार देंगे आपको 2 मिनट का शॉर्ट रिव्यू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सच में ये मूवी जिसका नाम सिटी मार है वो सिटी मारने लायक है भी या फिर नहीं। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यार कि सच में आपको एक्शन एंटरटेनर मास मूवी पसंद है, तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। इसके पीछे का रीजन है यार कि सच में इस फिल्म का जो नाम है ना सिटी मार, वो सच में फिल्म सिटी मारने लायक है, क्योंकि इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्शन, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ धमाल कर देती है। मतलब कोई भी मास मसाला मूवी देखने वाला इस फिल्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। जब जब आप कुछ कुछ इस फिल्म के सीन देखोगे, एक्शन देखोगे, तो सच में आपको सिटी मारने का मन करेगा। कई कई जगह पर फिल्म बहुत ज्यादा आपको इमोशनल करती है, कॉमेडी है इसमें, वो भी सब वर्क करते हैं। हाँ, लेकिन प्लीज इसमें अपने न्यूटन के लॉजिक मत बताना, क्योंकि उन लोगों के लिए नहीं है मूवी जो कि न्यूटन के लॉजिक से मूवी को देखते हैं। ये आप मास मसाला मूवी की तरह देखोगे तो आप सच में इस फिल्म को एंजॉय करने वाले। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी में कोई भी ज्यादा सस्पेंस नहीं है, स्टोरी बिल्कुल फ्लैट है। आपको पता होगा कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हो रहा होगा स्क्रीन पर उसको देखकर आपको मजा आता। तो मिला जुला कर बात करें यार, तो ये फिल्म एक एक्शन पैक मास मसाला मूवी है जिसको आपको देखने में मजा जरूर आएगा, एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यार कि इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको कहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यार इस फिल्म का जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है वो होने वाला है जी सिनेमा पर 20 नवंबर को रात 8 बजे। मतलब इस वीडियो के अपलोड करने के कुछ देर बाद ही आपको जी सिनेमा पर ये फिल्म प्रीमियर होता हुआ नजर आए। तो यार बिल्कुल गलती से भी मिस मत करना वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर को, क्योंकि जो भी फिल्म जी सिनेमा पर आती है उस फिल्म का YouTube पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसके पीछे का रीजन है यार कि जी सिनेमा का अपना G5 ऐप है, फिल्म टीवी पर आने के बाद G5 के ऐप पर आ जाती है। तो जब भी कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है जी सिनेमा पर, तो उसके राइट्स कभी कभी YouTube पे कोई चैनल होता है वो खरीद लेता है। तो इस केस में अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिससे हमें पता चले कि इस फिल्म के राइट्स किसने खरीदे, लेकिन जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डालकर जरूर बता देंगे। लेकिन यार जैसे ही फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होता है उसके बाद मूवी कई जगह पर अवेलेबल हो जाती है। तो मैं कोशिश जरूर करता हूं कि वहां पर अगर आप वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर मिस कर चुके हो तो मैं उसके कुछ लिंक्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल जरूर देता हूं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो मोस्टली अनऑफिशियल होगा। कोई भी ऑफिशियल सोर्स पर कहीं पर भी अपलोड होगी तो उसका भी लिंक आपको नीचे जरूर मिल जाए। तो प्लीज गलती से भी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर को मिस मत कर। 2 मिनट के शॉर्ट रिव्यू यार और लेटेस्ट अपडेट के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी मूवी देखना पसंद है तो यार आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, GTM मूवीज के नाम से आपको वहां पर मिल जाऊंगा, तो जाके जरूर फॉलो कर लेना। इन्हीं सारी बातों के साथ यार मिलते हैं अगले वीडियो में।